हेलो गाइस, मूवी सेनपाई की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां आज हम लोग डिस्कस करेंगे चेनसो मैन के एपिसोड 6 की सभी डिटेल्स के बारे में। एपिसोड शुरू होता है आकी की टीम के साथ, जो कि 8th फ्लोर पर फंस चुकी थी। हिमिनो खुद चेक करने इस बार नीचे जाती है, पर वो वापस ऊपर से आती है। अब आकी लेफ्ट साइड वाले रूम में एंटर करता है और देखता है कि कमरे में दीवार की जगह विंडो थी जो दूसरे रूम में जा रही थी, और फिर आकी राइट वाली साइड से उसी जगह पहुंच जाता है, यानी वो कुछ भी करे वो 8th फ्लोर पर फंस चुके हैं। सभी एक रूम में बैठकर सोचने लगते हैं कि ये जरूर डेविल का ही काम होगा। डेंजी छत से भी निकलने की कोशिश करता है, पर वो 8th फ्लोर पर ही आ जाता है। तब डेंजी कहता है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पावर ने उस डेविल को मार दिया था। पावर कहती है कि उसने डेंजी के कहने पर ही ऐसा किया था। आकी कहता है कि किसी डेविल के मरने के बाद उसकी शक्तियां खत्म हो जाती हैं, तो ये किसी दूसरे डेविल का काम है जिसने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया है। कोबैनी कहती है कि वो यहाँ भूख से मर जाएंगे। हिरोकाज़ू बोलता है कि तुम इतना डर क्यों रही हो, तुम अपने भाई को यूनिवर्सिटी भेजने के लिए डेविल हंटर बनी थी ना। जिस पर कोबैनी कहती है कि उसके परिवार ने उसे ज़बरदस्ती डेविल हंटर बनाया है ताकि वो उसके स्मार्ट बड़े भाई को कॉलेज भेज सके। उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, या तो डेविल हंटर बनना या फिर प्रोस्टिट्यूट। वो भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन अब वो यहाँ मारी जाएगी। हिमिनो कोबैनी को चुप कराते हुए कहती है कि डेविल्स को डर पसंद है, तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए। आकी नोटिस करता है कि रूम की सभी घड़ियां 8:18 पर रुकी हुई थी, मतलब यहाँ टाइम भी रुक गया है, मतलब कोई भी उन्हें बाहर से आकर बचा नहीं सकता। ये सुन डेंजी कहता है कि मतलब हम जितना चाहे उतना सो सकते हैं। ये सुनकर हिरोकाज़ू उस पर गुस्सा करता है, पर डेंजी कहता है कि बाहर जाने का अगर कोई रास्ता मिले तो मुझे जगा देना, और वो सो जाता है। ये देख सभी हैरान हो जाते हैं। फिर हिमिनो डेंजी को जगाती है और कहती है कि यहाँ अभी पानी और बिजली आ रहे हैं, और उन्होंने थोड़ा फूड भी इकट्ठा कर लिया है। आकी कॉन्टिन्यूसली उस डेविल को ढूंढ रहा है। हिरोकाज़ू डर के मारे एक रूम में बैठा है। कोबैनी पैनिक करके बाथरूम का पानी पीने वाली थी, इसलिए हिमिनो ने उसे बेहोश कर दिया था। पावर ने इस दौरान सोचा कि उसे नोबल प्राइज जीतना चाहिए ताकि वो लोग उसे गॉड समझे, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनेगी और खाने पर 100% टैक्स लगा देगी। डेंजी, हिमिनो और पावर हिरोकाज़ू और कोबैनी को देखने जाते हैं। हिमिनो सिगरेट जलाकर कहती है कि आकी काम पर लगा है, इसलिए वो इतनी रिलैक्स है। डेंजी कहता है कि आकी भी इसी ब्रांड की सिगरेट पीता है, जिस पर हिमिनो रिवील करती है कि उसने ही उसे ये लत लगाई थी। फिर हमें पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ हिमिनो आकी से कहती है कि उसे सिगरेट पीना शुरू कर देना चाहिए, इससे लोगों को जल्दी पहचान होती है। आकी कहता है कि सिगरेट पीना हेल्थ के लिए हानिकारक है, और वो यहाँ दोस्त बनाने नहीं आया है, और गन डेविल को मारे बिना तो वो मरने नहीं वाला। हिमिनो कहती है अच्छा है, क्योंकि पार्टनर सिमोन सरदर्द देकर जाती है। फिर एक लड़की हिमिनो को थप्पड़ मार कर जाती है। आकी पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो हिमिनो बताती है कि वो उसके लास्ट पार्टनर की गर्लफ्रेंड थी जो कि अब मर चुका है। ऐसा कई बार होता है जब डेविल हंटर्स की फैमिली फ्रेंड्स उनका गुस्सा उनके पार्टनर्स पर निकालते हैं। आकी दौड़कर उस लड़की के पास जाता है और वापस आकर बताता है कि उसने उसके कपड़ों पर च्युइंगम चिपका दी है। जो हुआ उसमें हिमिनो की कोई गलती नहीं थी, इसलिए उसने बदला लिया। ये सुनकर हिमिनो जोर जोर से हंसने लगती है। फिर वो दोनों डिनर करने जाते हैं, जहाँ हिमिनो कहती है कि डेविल को उन हंटर से डर लगता है जो कि थोड़े हिले हुए होते हैं, ना कि उनसे जो कि स्ट्रॉन्ग और निडर होते हैं। इसलिए उसे लगता है आकी इस काम में लंबा टिका रहेगा, और क्योंकि आकी और वो साथ रहने वाले हैं, तो वो आकी को एक बार सिगरेट पीने को कहती है। आकी कहता है कि ये वो पहली और आखिरी बार कर रहा है, पर आकी को सिगरेट की आदत लग जाती है। प्रेजेंट में आकी हिमिनो से सिगरेट मांगता है, और उससे के पास लास्ट सिगरेट ही बची थी, तो वो दोनों उसे शेयर करते हैं। ये देख डेंजी भड़क जाता है, पर दोनों उसे इग्नोर करते हैं। आकी कहता है कि एक बुरी खबर है, जिस डेविल को उन्होंने मारा था वो अब बड़ा हो चुका है। सभी हॉल में आकर देखते हैं कि वो डेविल 100 गुना बड़ा हो चुका था। वो डेविल बोलता है कि उसके पास उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो डेंजी को उसे जिंदा या मुर्दा खिला देंगे तो वो सभी को छोड़ देगा।
ये सुनकर कोबैनी एक चाकू लेकर डेंजी को मारने दौड़ती है, पर आकी और हिमिनो उसे बचा लेते हैं। आकी अपने फॉक्स डेविल को यूज करने की ट्राई करता है, पर वो नहीं आता क्योंकि वो लोग बाहर की दुनिया से कटे हुए थे। इसके बाद हिमिनो अपना घोस्ट हैंड यूज करती है, जिससे उस डेविल को नुकसान तो होता है पर वो और बड़ा हो जाता है। डेविल बोलता है कि कोई फायदा नहीं है, ये मेरी मेन बॉडी नहीं है, तुम्हें यहाँ मेरी दिल नहीं मिलेगा क्योंकि तुम सब मेरे पेट में हो और यहाँ मेरी कोई कमजोरी नहीं है। यहाँ से जिंदा बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो उससे डील कर ले। डेंजी कहता है कि मुझे खाने के बाद अगर तुम मुकर भी तो सकते हो। इस पर हिमिनो कहती है कि जब भी डेविल और ह्यूमंस के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उन्हें उसे पूरा करना होता है और जो भी उससे मुकरता है उसकी मौत हो जाती है। तब हीरो काजू कहता है कि हमें डेंजी को मार देना चाहिए और यहाँ से निकलने के बाद वो इस डेविल को मारने के बारे में सोचेंगे। आकी बोलता है कि डेंजी की मौत से इस डेविल का कोई फायदा होगा, इसलिए ही वो उसे नहीं मारेगा। हिमिनो आकी के साथ थी। वहीं पावर कहती है कि उन्हें डेंजी को मार देना चाहिए क्योंकि अगर वो यहाँ से नहीं निकले तो उसे नोबल प्राइज कैसे मिलेगा। आकी बोलता है कि अगर पावर डेंजी को मारती है तो कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि फीन डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कुछ देर बाद हिमिनो पूछती है कि कोई आइडिया आया। आकी कहता है कि वो डेंजी को तो नहीं मारेगा और ना ही इस डेविल को मार पाएंगे, तो अगर कोई रास्ता नहीं बचा तो वो अपनी स्वॉर्ड यूज करेगा। हिमिनो उसे तुरंत मना कर देती है। डेंजी पूछता है कि अगर वो अपनी स्वॉर्ड यूज कर हमें बाहर निकाल सकता है तो तुम क्यों मना कर रही हो। हिमिनो कहती है कि चाहे कुछ हो जाए ये तलवार यूज नहीं करेगा और अगर उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो वो डेंजी को मार देंगे। इधर हीरो काजू देखता है कि उसका सारा खाना पावर खा गई थी। वहीं कोबैनी पागल हो चुकी थी और कहती है कि पावर की वजह से वो यहाँ फंसे हैं। हीरो काजू उसे शांत होने को कहता है तो कोबैनी उस पर भी इल्ज़ाम लगाने लगती है कि वो डेविल्स के साथ मिला हुआ है। वो उस पर मारने के लिए दौड़ती है, पर हीरो काजू की चीखें सुनकर वो डेविल और बड़ा हो जाता है और डेंजी हिमिनो और आकी के पीछे लग जाता है। वो कहता है कि मेरा नाम एटर्निटी डेविल है और मैं ही चेंसो को मारूंगा। फिर वो फ्लोर भी टिल्ट हो जाता है। कोबैनी और हीरो काजू डेंजी को मारने को कहते हैं, वहीं आकी अपनी तलवार यूज करने का डिसीजन लेता है। हिमिनो अपना घोस्ट हैंड यूज करती है और बताती है कि अगर आकी अपनी स्वॉर्ड यूज करेगा तो उसकी जिंदगी से काफी साल कम हो जाएंगे, यही उसका कॉन्ट्रैक्ट है और हिमिनो ऐसा नहीं होने देगी। हीरो काजू डेंजी को पकड़ लेता है और कोबैनी उसे चाकू मारने ही वाली थी कि आकी सामने आ जाता है और वो चाकू उसे लगता है। उसका खूब खून बहने लगता है। आकी कहता है कि भले ही डेंजी एक घटिया इंसान है पर वो गन डेविल को मारना चाहता है और वो अकेले तो ये काम नहीं कर पाएगा, इसलिए वो चाहता है कि डेंजी जिंदा रहे। अब डेंजी पावर को आकी का खून रोकने को कहता है क्योंकि वो ब्लड डेविल है, जिस पर पावर कहती है कि वो खुद का ब्लड तो कंट्रोल कर सकती है पर दूसरे का करना मुश्किल है, लेकिन अगर आकी मर गया तो उसका खाना कौन बनाएगा। ये सुनकर हिमिनो घबरा जाती है और रोने लगती है। कोबैनी कहती है कि इसमें उसकी ही गलती नहीं है, ये सब डेंजी की वजह से ही हुआ है और अगर डेविल उसे खा ले तो सब ठीक हो जाएगा। डेंजी कहता है ठीक है, पर वो बिना लड़े तो नहीं हारने वाला और अगर वो इसे मार देता है तो वो किस लेकर ही रहेगा। डेंजी समझ गया था कि ये डेविल चेंसो से डरता है, इसलिए ही उसने बाकियों को डेंजी को मारने को कहा था और इसे कटने पर दर्द भी होता है तो डेंजी अपनी चेंसो से इसके अंदर इतना खौफ पैदा कर देगा कि ये खुद ही मर जाए। डेंजी आकी से कहता है कि उसे नहीं लगा था वो इसके लिए ऐसा करेगा, पर अब वो किसी का एहसान नहीं चाहता और एक बार यहाँ से निकलने के बाद वो दोनों बराबर हो जाएंगे। इतना कहकर डेंजी अपने चेंसो चालू करता है और उस डेविल के मुंह में कूद जाता है, जिसके साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।